हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखी, इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 रखे हैं, आर्म होल की भी 5.5 ही है। तो मैं ये आपको नॉर्मली सा मेज़रमेंट करके दिखा रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। गले की चौड़ाई देखिए 2.5 इंच रखे हैं, आप 2.5-3 पे जितना गला पहनते उतना मार्क कीजिएगा, नीचे के साइड से 3 इंच पे मार्क कर देंगे। अब दोनों मार्किंग को बराबर करते, यहाँ से बराबर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों को मिलाते हुए। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। गले की लेंथ लेंगे तो मैं 10 इंच रख रही हूँ, नॉर्मल सा मैं रख रही हूँ लेंथ, अपने अकॉर्डिंग डीप नेक जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हैं। तो गले की डिज़ाइन का मार्किंग हो चुकी, सेम कटिंग कर देंगे मार्क के ऊपर से ही। तो मैंने देखिए गले कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको करके दिखा दिया है। अब इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेंगे और इसकी भी सेम कटिंग करेंगे जैसे अभी अस्तर का किया है। तो दोनों फैब्रिक पे गले को कट कर दिया। अब दोनों को बिल्कुल बराबर में रखेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे गले की स्टिचिंग कर लेंगे। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं गले को कैसे स्टिच कर रही हूँ, बराबर रखते हो ऐसे ही पूरा स्टिचिंग करना है। ठीक, गला स्टिच हो चुका है, इस पर छोटे छोटे कट पूरे गले पे लगा लेंगे। इसे जब इसको पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। तो मैंने कट लगा दिया, अब इसको पलट कर सीधा कर देंगे। अब गला सीधा करने के बाद इसकी ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो फिनिशिंग की स्टिचिंग हो चुकी है, ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करना। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर करेंगे और साइड से सिलाई लगाते हुए इसकी ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर लेंगे। तो मैंने देखी ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली ब्लाउज की कर दिया है। नीचे के साइड से ब्लाउज में टक्स की स्टिचिंग करना है, तो माप लेंगे और दोनों साइड से बिल्कुल बराबर माप लेते हो टक्स को स्टिच करना है। तो एक साइड से मैं टक्स को स्टिच करके दिखा रही हूँ, ऐसे दूसरे साइड से भी टक्स को स्टिच कर देंगे। तो क्लियर, मैंने दोनों साइड से टक्स बना दिए। नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए फैब्रिक लिए हैं, इसको ब्लाउज के साथ में बराबर रखेंगे और सिलाई लगाते हुए ब्लाउज और ये फैब्रिक दोनों को स्टिच कर देंगे साथ में ही। तो ये देख लीजिए ब्लाउज के साथ में परफेक्ट तरीके से स्टिच हो चुका है। इसको फैलाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लिए हैं। अब जो ये पट्टी स्टिच हुई इसको ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करना, फिर नीचे का बॉर्डर बनाते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच कर लेंगे। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं इसको फोल्ड करते हुए कैसे बराबर में स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे स्टिचिंग करना है। तो नीचे का बॉर्डर कम्प्लीटली मैंने बना के आपको दिखाया। ब्लाउज के गले पे डिज़ाइन करेंगे, उससे पहले पाइप साइड रखेंगे और मैंने देखी कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट किए, इनकी लंबाई चौड़ाई दिखाती हूँ। मैं 3 इंच रखी इसकी, इसको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे, फिर इसके साइड से एक फोल्डिंग कर देंगे, फिर नीचे के साइड से इसके सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मेरी डिज़ाइन कैसे बना रही। इस तरीके से जितनी भी डिज़ाइन है सबको ऐसे ही बनाना है जैसे मैं आपको कुछ डिज़ाइन इसके बना के दिखा रही हूँ। ये कम्प्लीटली मैंने कुछ डिज़ाइन बना दिए, इनको सबको कटिंग करके अलग अलग पार्ट्स में कर देंगे। थी इनको कट कर दिया, अभी जो डिज़ाइन कट करके बनाई हुई इनको साइड रखेंगे और ब्लाउज लेंगे। ब्लाउज ले लिया है, ब्लाउज गले पे जो डिज़ाइन बनाई थी उसको एक साइड से स्टिच करेंगे। तो क्लियर वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे अटैच कर रही हूँ डिज़ाइन को गले पे। इसी तरीके से बराबर रखते हुए पूरे गले पे डिज़ाइन को अटैच कर लीजिएगा, बीच में गैपिंग नहीं रखनी है आपको। ये देखिए डिज़ाइन को मैंने स्टिच कर दिया है गले पे। इसकी डेकोरेशन करेंगे इसके लिए लेस यूज़ करेंगे, जहाँ से डिज़ाइन को स्टिच किया था सेम उसी जगह से लेस को भी स्टिच कर लेंगे। नीचे की साइड से थोड़ा सा लेस अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच कीजिएगा। तो ये कम्प्लीटली लेस को लगा दिया। इस साइड से डेकोरेट करने के लिए गोल्डन कलर की मोतियाँ ले लिए हैं, जितनी भी डिज़ाइन है सबके ऊपर से एक एक मोती को टक करेंगे ऐसे ही जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, सेम ऐसे जितनी डिज़ाइन है सब पे मोतियों को टक कर लीजिएगा। तो मैंने कम्प्लीटली ये डेकोरेशन इसकी कर दी है ब्लाउज की। अब दूसरी साइड का डिज़ाइन बनाएंगे, तो ब्लाउज को साइड रखते हैं
और मैंने एक पट्टी कट की। इस पट्टी की जो चौड़ाई रखी है 3.5 इंच, 3.5 इंच है। इसको डबल फोल्ड करना है आपको। फिर एक साइड से सिलाई लगाते हैं, दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ में स्टिच कर लेंगे पूरा। ये स्टिचिंग हो चुकी है, अब इसको पलट कर सीधा करेंगे। किसी भी चीज़ से प्रेस करते इसको पूरा पलट कर सीधा कर लीजिएगा। ये देखिए डिज़ाइन सीधी हो चुकी है। इसको बीच से, बिल्कुल बीच से इसकी सिलाई लगाइएगा, सेंटर से नहीं, एकदम मीडियम से, मतलब मिड साइज से, बीच से बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगाते हो। इसको फोल्ड करते हुए बीच बीच में और फिर इसकी सिलाई लगाते जाइएगा। क्लियर आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा मैं कैसे फोल्ड करें इसको। इस तरीके से आप फोल्ड करके फिर सिलाई लगा के पूरे डिज़ाइन को बना लीजिएगा। तो मैंने ये देखिए पूरे डिज़ाइन की कम्प्लीटली ये फ्रिल बना दिया है। अब इसको जो साइड रखेंगे और ब्लाउज लेंगे, ब्लाउज के गले से जिस साइड देखिए मैंने डिज़ाइन नहीं किया है उस साइड से इस डिज़ाइन को अटैच करेंगे। देख लीजिए कैसे अटैच कर रही हूँ मैं, इसके बीच से सिलाई लगाते हुए आपको इस पर अटैच करनी है डिज़ाइन को। और नीचे की साइड से थोड़ा सा डिज़ाइन अंदर की साइड फोल्ड करके फिर स्टिच करेंगे। ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है डिज़ाइन के गले पर। इसकी डेकोरेशन करेंगे, इसके लिए मैंने देखिए गोल्डन कलर की मोती ली है। जितनी भी डिज़ाइन है सबको इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, बीच में लाना है फोल्ड करते दोनों कॉर्नर को, और वहाँ से एक मोती को स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही पूरे डिज़ाइन के दोनों कॉर्नर को पकड़ के बीच में लाना है, फिर वहाँ से एक मोती को स्टिच कर लेना है। तो जितनी भी फ्रिल इसकी बनी हुई है सभी फ्रिल पर ऐसे ही मोतियों को डिज़ाइन बनाते हुए मोतियों को टक कर लीजिएगा। तो मैंने ये देखिए कुछ आपको बना के दिखाया, और सारे सेम ऐसे डिज़ाइन को बना देंगे। ये कम्प्लीटली पूरी डिज़ाइन बन चुकी है। अब यहाँ से एक मैंने ये फ्लावर लगा दिया है। अगर आप ये फ्लावर की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियो में फ्लावर बना के भी दिखाया, आप उस वीडियो को देख के फ्लावर को बनाना सीख सकते हैं। फिर मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कम्प्लीट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी, बनाने में ईजी है। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं और आप कैसे डिज़ाइन वीडियोज़ की देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, जैसा ब्यूटीफुल सिंपल हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो नए वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, जो ऐसा ब्यूटीफुल सिंपल हो, इजी आपको समझ में अच्छे से आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।